Hello children, how are you all? I hope you all are doing well, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete the work from the videos. So children, in the previous video, we were doing chapter 6, that is word pair. So children, we had completed the chapter and today we are going to start the book exercise which is given at the end of the chapter. So children, in the exercise children, first exercise is self-evaluation. As you know children, after completing the chapter, here under self-evaluation we have some of the important points which we have gone through the chapter, and all these points we have learned in the chapter, and now we are going to revise and we are going to tell whether we agree with these points or not. So these are some of the points which we have studied and understood while reading the chapter, and now we are going to tell whether we agree with these points or not. So children, self-evaluation topic hai, self-evaluation. Evaluation. Children, so first point, let us discuss. So I know that WordPad is a program used for typing text. Once again children, in the previous chapter also you have already studied Notepad. Notepad was also a program which is used for typing text. This WordPad is same as Notepad, but WordPad is a bit updated or advanced, as we can type as well as we can do formatting of the text which we write in the WordPad. तो नोटपैड में हम सिर्फ लिखते थे, नोटपैड में हम सिर्फ टाइपिंग करते थे, लेकिन WordPad is a combination of notepad and paint. कुछ चीजें जो हम पेंट में कर सकते हैं और कुछ चीजें जो हम नोट में पैड में करते हैं, दोनों को मिलाकर के हमने एक नया प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है जो कि WordPad है. तो WordPad में हम ना सिर्फ लिख सकते हैं, वी कैन डेकोरेट आर राइटिंग एज वेल एज वी कैन मेक आर राइटिंग ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव. हम अपने राइटिंग को, अपने टाइपिंग, जो भी हम टाइप करते हैं, अपने टेक्स्ट को ब्यूटिफुल बना सकते हैं एज वेल एज वी कैन मेक इट अट्रैक्टिव. तो हम उसे अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, मीन्स हम उसमें, और हम WordPad में कुछ ड्रॉइंग्स भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ नोटपैड एंड वर्ड पेंट कहते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, एनी प्रोग्राम इज यूज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क. कोई भी प्रोग्राम की बात हम करें या कोई भी प्रोग्राम अगर हम पढ़ते हैं तो इट इज यूज ओनली फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए वो होता है. या तो हम उसमें लिख सकते हैं या ड्रॉइंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं, इनमें से कोई एक ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो WordPad है इसमें भी हम सिर्फ टेक्स्ट ही राइट कर सकते हैं, वी कैन ओनली टाइप, एंड वॉट एवर वी टाइप वी कैन मेक इट ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो. तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, नोटपैड से बेटर है ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है और उससे थोड़ा सा और भी ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज और फीचर्स है जिसको यूज करके हम ना सिर्फ टाइप कर सकते हैं, वॉट एवर वी टाइप इन WordPad वी कैन मेक इट लुक ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो. हम उसे ब्यूटिफुल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो WordPad इज यूज फॉर मेकिंग कार्ड्स एंड ऑल ऑल्सो. जैसे हम कार्ड में देख सकते हैं बहुत अलग अलग स्टाइल में लिखा होता है. तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में वी हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ टू सेट द फॉन्ट. फॉन्ट सेट कर सकते हैं या फॉन्ट चेंज कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं एंड साइज भी उसका चेंज कर सकते हैं. तो बहुत सारी कुछ एडिशनल फीचर्स भी थे अबाउट विच वी हैव स्टडीड. सो आई नो दैट WordPad इज अ प्रोग्राम यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट. सो फर्स्ट पॉइंट इज आई के एन ओ डब्ल्यू नो that WordPad PAD pad is used for 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 typing PYPING typing text. Once again children, here we have two boxes, one is agree and the other one is disagree. So, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, ये पहला वाला, इसे हम एग्री के लिए करेंगे. इफ आई एग्री विद द स्टेटमेंट आई विल पुट टिक इन द बॉक्स बिलो एग्री, एंड इफ आई डिसएग्री आई विल पुट टिक इन द बॉक्स डिसएग्री. तो यहाँ पे एज आई एग्री विद द स्टेटमेंट आई वेरी वेल एग्री विद द स्टेटमेंट, सो वी विल पुट टिक अंडर एग्री. अब उसके बाद हमारे पास दूसरा, सेकेंड में हमारे पास क्या है, इन सेकेंड चिल्ड्रन वी हैव I know that insertion point is a blinking
line on the screen. So children, we have studied about a word called cursor. आपने already cursor के बारे में पढ़ा है. तो ये जो cursor है, इसी को हम insertion कहते हैं. अगर word pad में हमको एक line, vertical line दिखती है, उसी line को हम insertion point कहते हैं. ठीक है? जहाँ पे cursor होता है, उस point को हम insertion point कहते हैं. तो ये जो आपका cursor है, ये एक vertical line होती है, और जहाँ पे ये vertical line होती है, उसी को हम insertion point कहते हैं. This point is known as insertion point. Insertion point is the place where you whatever you type from the keyboard get written. वहाँ से लिखना शुरू होता है, यानी कि वहाँ पे वो लिखाता है, इसलिए उसको insertion point कहते हैं. The so children, the place where cursor is there, the place where you can find cursor, the same cursor for cursor. That place is called insertion point. तो जहाँ पे आपका cursor होता है, उसी जगह को हम insertion point कहते हैं. क्योंकि जो भी हम keyboard से type करते हैं, वो वहीं से insert होना शुरू होता है. यानी कि हमारे screen पे दिखना शुरू होता है, या type होना शुरू होता है. That is why we call it as insertion point. तो ये आपका cursor हो गया. It is a blinking light. और इस cursor की position को हम insertion point कहते हैं. क्योंकि जो भी हम लिखते हैं keyboard से, वो यहीं से लिखना शुरू हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अबाउट इंसर्शन पॉइंट ओनली. सो यू विल राइट हियर, आई नो दैट इंसर्शन पॉइंट इज अ ब्लिंकिंग लाइट ऑन द स्क्रीन. आई के एन ओ डब्ल्यू नो दैट इंसर्शन पॉइंट. आई नो दैट इंसर्शन पॉइंट insertion point is a is a blinking 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 insertion point is a blinking line an line on the screen screen screen. Insertion point is the blinking line on the screen. So we agree with this statement also कि जो insertion point होता है वो blinking line होता है screen में, और उस blinking line को हम cursor कहते हैं. तो यहाँ पे we agree with this statement also. So we have put a tick in front of for a second statement. First box में हमने agree के लिए tick किया है, because first box is for agree and the second box is for disagree. So we agree with this statement also. Then thirdly, we have children. I know that the text can be entered with the help of a keyboard. Of course, we agree with this also. While studying about the notepad also, we had understood that text can be entered using the keyboard, because all the letters are and numbers are written on the keyboard. So when we write text in the form of letters, so that can be entered from the keyboard. So third हमारा point है, I know that I know that the text the text can can be entered with the help of with the help of a keyboard with the keyboard. So here we will put a tick, because we very well know that a text can be entered using the keyboard. हम keyboard को use करके ही text को enter कर सकते हैं. So children, here are three points. First one is I know that WordPad is used for typing text. Of course, we all agree, we have studied and understood from the chapter that WordPad is a program which is used for typing the text. Then second one, I know that insertion point is a blinking line on the screen. Of course, the insertion point is the point which keeps on blinking on the screen. So this statement is also true. That is why, and we agree with the statement, and that is why I have put tick in the box agree. I know that the text can be entered
with the help of a keyboard. I know that the text can be entered with the help of keyboard. So this, we agree with this one also. Let us move to the next point, shall we? Next point is, I know that I know how to enter text in the document and save it in the Word pad. So children, after reading the chapter and understanding the chapter, we have understood how to enter text in the document and how to save the document. हमको समझ में आ गया कि वर्ड पैड में किस तरह से हम वर्ड पैड को खोलेंगे, फिर वर्ड पैड में हम जैसे ही वर्ड पैड पर क्लिक करेंगे हमको एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसको हम वर्ड पैड विंडो कहते हैं. वर्ड पैड विंडो में जाकर के हम कीबोर्ड से जो भी टाइप करेंगे कर्सर पॉइंट या इंसर्शन पॉइंट से लिखना शुरू होगा और इस तरह से वी कैन टाइप इन वर्ड पैड. आफ्टर टाइपिंग और मेकिंग अ डॉक्यूमेंट चिल्ड्रन, वी कैन सेव द डॉक्यूमेंट बाय गिविंग द नेम. हम नाम दे करके हम डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं. और सेव में हम कैसे करेंगे, हम कंट्रोल सी से भी सेव कर सकते हैं. हम डायरेक्टली कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल एस प्रेस करके हम प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं, या फिर हम फाइल में जाकर के फाइल मेन्यू में जाकर के या फाइल टैब में जाकर के क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे. वहां से हम सेव एज करेंगे. सेव एज करने के बाद वी विल हैव अनदर स्मॉल डायलॉग बॉक्स वेयर वी विल टाइप. वहां पे हमसे नाम पूछेगा डॉक्यूमेंट का. वी विल टाइप द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन नीचे व्हेन वी प्रेस सेव द फाइल विल और द डॉक्यूमेंट विल गेट सेव विद द नेम विच वी गिव टू दैट फाइल. इन दिस वे वी कैन टाइप ऑल्सो. वी हैव लर्न हाउ टू टाइप एज वेल एज वी हैव लर्न हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट. सो चिल्ड्रन, आई नो दैट ये हमारा फोर्थ पॉइंट है. आई के एन ओ डब्ल्यू नो टी एच ए टी दैट हाउ टू एंटर टेक्स्ट, हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, इन अ डॉक्यूमेंट एंड सेव. सो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई हैव लर्न टू हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट एज वेल एज हाउ टू सेव. एंड आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. यहाँ पे हमारे पास फिर दो बॉक्स है. We will click in the first box because we agreed with the statement. Now, fifth one, last fifth and the last one, children. I know that to change the style and size of the text. So, children, after reading the notepad, we have understood how to change the style. मतलब style जो अलग-अलग styles दिए हुए हैं हमको notepad में लिखने wordpad में लिखने के लिए हम उसको select कर सकते हैं और उस स्टाइल में हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं. उसके अलावा हम उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द साइज ऑल्सो. तो यहाँ पे आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड दैट आई नो दैट आई के एन ओ डब्ल्यू नो टी एच ए टी दैट आई नो दैट हाउ आई नो हाउ टू दैट लगाने की जरूरत है. हमें आई नो हाउ टू How to change C H N A N G change the style S T Y L E style and size and the style and the style of a text. टेक्स्ट. तो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू चेंज द स्टाइल एंड द साइज. स्टाइल एंड साइज हो गया ना. दूसरा हो गया साइज ऑफ द टेक्स्ट. तो जो भी हम लिखते हैं हम उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, हम उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू चेंज द स्टाइल. स्टाइल इज द वे वी वॉन्ट टू राइट. हम टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा साइज भी चेंज कर सकते हैं. कहीं बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, अलग अलग साइज के हम टेक्स्ट को लिखते हैं. और कहीं हेडिंग डालना है, कहीं हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, कहीं हमें नॉर्मल स्टेटमेंट लिखना है, तो उस हिसाब से हम साइज और स्टाइल दोनों को चेंज करके लिख सकते हैं. सो वी एग्री विद दैट ऑल्सो. अब चैप्टर पढ़ने के बाद वी ऑल हैव अंडरस्टूड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेंज द स्टाइल एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट का मतलब जो हम लिख रहे हैं उसे हम टेक्स्ट कहते हैं. उसके साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं. वंस अगेन वी विल रिवाइज. सो चिल्ड्रन, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई नो दैट वर्ड पैड इज अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट. सो
सो वर्ड पैड को पढ़ने के बाद वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दैट इट इज अ प्रोग्राम विच इज यूज फॉर राइटिंग द टेक्स्ट. आई नो दैट इंसर्शन पॉइंट इज अ ब्लिंकिंग पॉइंट और ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. ऑफकोर्स इंसर्शन पॉइंट इज अ ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. I know that the text can be entered with the help of a keyboard. If you want to enter the text, you will use keyboard. Then I know that to enter text in a document and save it in WordPad. After reading and understanding the chapter, children, I have also understood how to write text और हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा या फिर हम उसे सेव कैसे करेंगे ये भी मुझे समझ में आ गया. देन आई नो हाउ टू नो चेंज द स्टाइल एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट. आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू चेंज द स्टाइल. स्टाइल मीन्स द वे वी राइट द टेक्स्ट. हम टेक्स्ट को किस तरह से लिखना चाहते हैं उसे हम स्टाइल कहेंगे. और साइज का मतलब है कि उसका आकार, यानी कि डिफरेंट साइज होते हैं हमारे नीड के हिसाब से, हमारे जरूरत के हिसाब से हम उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड सेल्फ इवैल्यूएशन एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो गो थ्रू दीज पॉइंट्स देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रन, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सरसाइज. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ करके समझेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. एक बार पढ़ करके वी विल अंडरस्टैंड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल राइट एंड ट्राई टू कंप्लीट इट. सो चिल्ड्रन बुक का आप खोलिए पेज नंबर 60. आपका चैप्टर है 6 दैट इज वर्ड पैड एंड आपका एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज फर्स्ट है दैट इज ए. सो ए में वी हैव टिक, TICK, टिक द करेक्ट, द करेक्ट CORECT करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है जिसको हमें टिक करना है. अब यहाँ पे हम इसको पहले समझते हैं. सो चिल्ड्रन इफ यू लुक इनटू द बुक, फर्स्ट वन इज वी कैन यूज द डबल क्लिक टू सेलेक्ट अ. वी हैव 3 ऑप्शंस. फर्स्ट इज पैराग्राफ, सेकंड इज वर्ड एंड सी इज लाइन. सो चिल्ड्रन व्हाइल रीडिंग द चैप्टर आई टोल्ड यू इफ यू वॉन्ट टू यूज एनी ऑप्शन या किसी भी कमांड को या टैब को आप यूज करना चाहते हो या फिर किसी भी फीचर को आप यूज करना चाहते हो तो फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द जिसके साथ भी आप करें. इफ यू वॉन्ट टू चेंज फॉर्मेट द वर्ड आपको वर्ड को सेलेक्ट करना है. इफ यू वॉन्ट टू फॉर्मेट द कंप्लीट लाइन, लाइन को सेलेक्ट करना है. इफ यू वॉन्ट टू फॉर्मेट डू चेंजेस इन द कंप्लीट पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ में कुछ चेंज करना है, कट कॉपी पेस्ट जो भी करना है, फीचर्स जो भी हमारे पास है, तो हमें पहले तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था व्हाइल रीडिंग द चैप्टर वी हैड स्टडीड ऑन पेज नंबर, हमारे पास पेज नंबर, लेट मी सी, पेज नंबर 55. इफ यू कम टू पेज नंबर 55 वी हैड स्टडीड सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. हमने डॉक्यूमेंट बनाया यानी कि हमने टेक्स्ट लिखा, एक पूरा पेज का टेक्स्ट लिख लिया. पेज का टेक्स्ट लिखने के बाद हमने इसको सेव कर लिया तो डॉक्यूमेंट हमारा बन गया. पेज का बनाया 4 पेज का, 10 पेज का वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने कुछ चीज़ें लिखी है. अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक वर्ड को में कुछ चेंज करना है, अ पर्टिकुलर वर्ड, वी वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर वर्ड, तो उस वर्ड को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. और सेलेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन यू हैव टू डबल क्लिक ऑन अ वर्ड. आप उस वर्ड पे कर्सर को लेकर के जाओगे, यू विल टेक योर कर्सर टू दैट पर्टिकुलर वर्ड, देयर यू विल क्लिक द कर्सर टू टेक्स्ट, मींस माउस जो कापचू का जो बटन है उसको आप 2 बार क्लिक करोगे. क्लिक करने के बाद आपका वो जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा. तो इन दिस मैनर यू कैन डिलीट इट, यू कैन चेंज द स्पेलिंग, आप जो भी उसके साथ करना, कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसको कैपिटल में लिखना चाहते हो, आपको स्मॉल में लिखना चाहते हो, तो आप जो भी उसको करना चाहते हो, उसको कलरफुल करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो यू कैन सेलेक्ट देयर एंड डू द चेंज इन दैट पर्टिकुलर वर्ड. ये एक वर्ड को सेलेक्ट करने का तरीका है. उसके बाद अगर पूरी लाइन्स करना है तो हम प्लेन एरिया में जाते हैं, किसी भी लाइन के लेफ्ट साइड में जो व्हाइट पार्ट है वहां पे जाकर के सिंगल क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन क्लिक हो जाती है. सिमिलरली जब हम ट्रिपल क्लिक करते हैं किसी भी पैराग्राफ के बिगनिंग में जाके, स्टार्टिंग में जाके व्हाइट पार्ट पे माउस पॉइंटर को ले जा करके हम यहाँ पे ट्रिपल 3 बार क्लिक करते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. और उसके बाद लॉन्ग सेलेक्शन के लिए हम ड्रैग करते हैं माउस को,
एक जगह क्लिक करके फिर पूरे माउस को जहां तक हमें सेलेक्ट करना है ड्रैग करके खींच करके ले जाते हैं और उस पूरे पार्ट को हाईलाइट कर देते हैं और लीव करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, वर्ड, सिंगल लाइन, पैराग्राफ और कंप्लीट डॉक्यूमेंट को करने का तरीका है। सो व्हेन यू गो थ्रू दीज पॉइंट्स ट्राई टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड कि कितने बार क्लिक करने से हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा कि इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ वर्ड, वर्ड को सेलेक्ट करना है मीन्स एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो वी कैन यूज डबल क्लिक, वहां पे हम डबल क्लिक को यूज करेंगे। सो हमारे पास है वी कैन यूज डबल क्लिक टू सेलेक्ट अ वर्ड। सो चिल्ड्रन दिस इज ऑल फॉर टूडे, फर्स्ट वाला हमने डिस्कस किया है, वी विल डिस्कस फर्दर इन द सेम एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चिल्ड्रन टेक केयर, थैंक यू।